नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल टेक्निकल भाटी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा परिवहन, उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपली ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन से स्टेट से आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब आप यहाँ पे अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो, या सिंपली यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके सर्विसेज ऑन डीएल पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अपना डाल दीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के गेट डीएल डिटेल्स पे क्लिक करें। और इस तरीके से डिटेल ओपन होके आ जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइए और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर दीजिए। अगर ऊपर की डिटेल आपकी ही है तो यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर कैटेगरी, अगर इनमें से कोई सी आपकी कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन, रिपेट्रिएट, रिफ्यूजी, डिप्लोमेट, फॉरनर, फॉरनर बट नॉट डिप्लोमेट, या फिजिकली चैलेंज, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इनमें से कोई सी भी आपकी ऐसी कैटेगरी नहीं है तो सिंपली जनरल इसको रहने दीजिएगा। और यहाँ पे स्टेट आ ही गया है तो हमारा जो पहले लाइसेंस इशू हुआ था तो वो यूपी से इशू हुआ था, तो गौतम बुद्ध नगर आरटीओ से इशू हुआ था। तो हमारा जो एड्रेस है वो सेम ही एड्रेस है, सेम ही आरटीओ है हमारा। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कर रहे हो या दूसरे आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कर रहे हो तो उससे रिलेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। ये जो वीडियो है नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, रिन्यू प्लस, यहाँ नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डीएल रिन्यूअल अदर स्टेट, डीएल रिन्यूअल प्लस एड्रेस चेंज। डीएल रिन्यूअल प्लस एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख के इजीली कर सकते हैं, या फिर अदर स्टेट में भी आप डीएल रिन्यूअल कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा ना, यहाँ पे आप डालोगे डीएल रिन्यूअल, डीएल रिन्यूअल, तो इससे ये जो वीडियो है आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, ऊपर की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो ये जो वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो को देख के इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका सेम आरटीओ में ही ये प्रोसीड हो रहा है, सेम आरटीओ ही आपका जहाँ से पहले आपका लाइसेंस इशू हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे वो आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आरटीओ सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो पिन कोड यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जैसे ही पिन कोड आप डालोगे ऑटोमेटिक आरटीओ यहाँ पे आ जाएगा। ये सभी डिटेल हमने डाल ली है, यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लिया है। अब सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिएगा और इधर यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। और अगर ईमेल आईडी नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए। और उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे एम्प्लॉयर कैटेगरी जैसा है ऐसा ही इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसा एड्रेस है लेफ्ट साइड में उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में सेलेक्ट कीजिएगा, राइट साइड में ऐसी डिटेल डालिएगा जैसे लेफ्ट साइड में है। उसके बाद नीचे की तरफ आइएगा और जैसा इधर है लेफ्ट साइड में उसी के अकॉर्डिंग राइट साइड में डालिएगा। और अगर ऊपर की और नीचे की डिटेल सेम है तो ऊपर की इस तरीके से सेलेक्ट करके डाल के सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी। और उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपके पास आपके सामने इस तरीके से ओपन होके नहीं आया, डायरेक्ट प्रोसीड का है, कन्फर्म का आया है, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो हमारे सामने इस तरीके से आया, ये सब हमने डाल लिया, कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है तो हमको करना है रिन्यूअल ऑफ डीएल, इस बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ डीएल की जगह वो भी दिख सकता है, एक्सपायर्ड लाइसेंस रिन्यूअल या रिन्यूअल विद रीटेस्ट भी दिख सकता है या रीवैलिडेशन रिक्वायर्ड, इस तरीके से, तो वो एक ही बात है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपका दिखा रहा है यहाँ रिन्यूअल विद रीटेस्ट तो उसका मतलब है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट है वो दोबारा से होगा जब आरटीओ आप जाओगे, और रीवैलिडेशन का भी यही मतलब। और सिंपल यहाँ पे आ रहा है रिन्यूअल ऑफ डीएल तो इसका मतलब ये है कि आपको टेस्ट नहीं देना होगा। लेकिन कुछ आरटीओ ऐसे भी है, मैक्सिमम आरटीओ तो ऐसे ऐसे है, अगर रिन्यूअल ऑफ डीएल यहाँ पे आ रहा है तो आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन
प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट करना होगा वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने ही वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं रिन्यूअल ऑफ डीएल, ये जो बॉक्स है, और सिंपली अब प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वन जो है इस पे क्लिक कर दीजिए फॉर्म को भरने के लिए। तो इस तरीके से आ जाएगा, इसको आप भर लीजिएगा। इसको भरने के तरीके की वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखी है, यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। ये जो सर्च बार है ना हमारे चैनल पे, तो इसमें आप डाल दीजिएगा डीएल या फॉर्म वन डाल दीजिए, सिंपली फॉर्म वन। जैसे ही आप फॉर्म वन डालोगे तो सबसे ऊपर वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो इसको देख के इजीली आप इसको भर सकते हो फॉर्म वन को, सेल्फ डिक्लेरेशन में जो फॉर्म है। तो ये हमने अपने अकॉर्डिंग भर लिया है, अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आ गया है तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है तो बैक पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स है इन पे क्लिक कर लीजिए एग्री करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक होके आ गया है ऑर्गन वाला जो है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये कैप्चा लोड नहीं हुआ है, इसको रिलोड या रिफ्रेश करने के लिए ये जो सर्कल है इस पे क्लिक कीजिएगा। इस तरीके के जो रिफ्रेश आइकॉन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक कीजिए, तो ये रिलोड हो जाएगा। और जो यहाँ पे आ रहा है वो सेम यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, और उसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, ओके पे क्लिक करें। तो इस तरीके से आ जाएगा, तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया रिन्यूअल ऑफ डीएल। यहाँ पे आपको रिवैलिडेशन इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, तो ठीक है वो एक ही बात है। अब यहाँ पे आपका जो भी डिटेल आप की यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डीएल नंबर, वैलिडिटी, वो सब दिख जाएगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएंगे कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं, ठीक है जी। ड्राइविंग लाइसेंस, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म वन, और जो लाइसेंस पे आपके प्रिंट होकर आएगा एड्रेस, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आरटीओ आपका दिख जाएगा, ठीक है जी, जिस आरटीओ में एप्लीकेशन आपकी प्रोसीड हो रही है। अब ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म वन का फॉर्मेट आप निकालना चाहते हो तो प्रिंट फॉर्म वन ए पे क्लिक कीजिएगा, और इसका फॉर्मेट आप प्रिंट निकाल लीजिएगा, और जो आपके एरिया में गवर्नमेंट डॉक्टर उनसे इसको भरवा लीजिएगा और साइन करवा लीजिएगा, उनका मोहर लगवा लीजिएगा, और उसके बाद स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। किस तरीके से कर सकते हैं आगे इस वीडियो में आपको बता ही रहा हूँ। और इस एक्नोलेजमेंट या रेफरेंस स्लिप को आप डाउनलोड करना चाहते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो, सिंपली प्रिंट एक्नोलेजमेंट पर क्लिक करके आप निकाल सकते हैं या डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जिन एप्लीकेशनों में, जिन एप्लीकेंटों के एप्लीकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जैसे आ रहा है दिस इज फेसलेस या कॉन्टेक्टलेस एप्लीकेशन, नो नीड टू विजिट आरटीओ या एमएलओ ऑफिस, तो उनके में क्या है, जो भी वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये जो स्क्रूटनी है और जो भी प्रोसेस उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया जाएगा, अगर सब कुछ वो ठीक ठाक अपलोड करते हैं तो। और जिनके भी इस तरीके से मेंशन होके नहीं आ रहा है तो उनको तो आरटीओ ऑफिस जाना होगा और अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। किस तरीके से उनको करना है वो मैं बता ही रहा हूँ इस वीडियो में। हमारी एप्लीकेशन है इसमें कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन होके नहीं आ रहा है, इसमें नीचे की तरफ आ जाइए इस पेज पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्रोसेस हमको कंप्लीट करने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटो साइन अपलोड करने हैं, पेमेंट करनी है, और उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करना है आरटीओ जाने के लिए, ठीक है ना। और जिनके में वो आ रहा है ना दिस इज फेसलेस सर्विस, नो नीड टू विजिट आरटीओ या एमएल ऑफिस, इस तरीके से जो आ रहा है, तो उनके में एग्जेम्प्टेड आता है। एग्जेम्प्टेड इसलिए आता है क्योंकि जो भी प्रोसेस है सब ऑनलाइन ही कंप्लीट हो जाता है, जो भी आप स्क्रूटनी जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, और अगर आपने बाय मिस्टेक कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो उसमें रिजेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा आप रीअपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट। तो हमको ये सभी प्रोसेस कंप्लीट करने हैं, इसके लिए हम पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वे जो सिलेक्ट का इस पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, जो भी अपलोड करने होंगे ना यहाँ पे दिखा देगा, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म वन, ड्राइविंग लाइसेंस। पहले हम एड्रेस प्रूफ अपलोड कर लेते हैं, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, उसके बाद प्रूफ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ आपको दिख जाएगा कौन कौन सा प्रूफ, एज अ एड्रेस प्रूफ, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमको आधार कार्ड विद डीओबी, इस पे क्लिक कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पे इशूड बाई किस अथॉरिटी ने इशू किया वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने जीओआई शॉर्ट में डाल दिया है। इसके बाद इशू डेट किस डेट में इशू हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो जेपीजी जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। तो अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा व्यू कन्फर्म क्रॉस। अगर आप व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, बाई मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो कन्फर्म पे क्लिक करें, और बाई मिस्टेक अगर गलत डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड हो गया है तो क्रॉस पे क्लिक करके दोबारा से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया, कन्फर्म पे हम क्लिक कर देते हैं। जिस तरीके से बाकी के डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस प्रूफ हमने अपलोड कर लिया, जो सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्म है मेडिकल सर्टिफिकेट इसको और अपलोड कर लेते हैं, कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया है ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से आ जाता है, इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो साइन अपलोड करना है, फोटो साइन अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे फोटो साइन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे फोटो यहाँ पे साइन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी फोटो साइन आप अपलोड कर रहे हो वो 20 KB या 20 KB से कम साइज के होना चाहिए और क्लियर होनी चाहिए वो। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो साइन हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक करते हैं। और अब फोटो सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कर देते हैं। ठीक से आ जाएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म निकालने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म प्रीफिल्ड जो आ रहा है इस पे क्लिक कर दीजिए। 4 या 5 पेज की एप्लीकेशन फॉर्म होगी, इसका प्रिंट आप निकाल लीजिएगा और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट आपको दिखा देगा कितना लग रहा है, तो हमारे केस में 400 रुपये पेमेंट लग रहा है, 200 DL रिन्यूअल का और 200 फॉर्म 7 फीस का, जो लाइसेंस हमारे एड्रेस पे प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, उसको 200 टोटल 400 रुपये पेमेंट हमारा लग रहा है, आपके केस में कम या ज्यादा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बैंक गेटवे ट्रेजरी में SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिर्फ गेटवे, जो भी आपका बैंक हो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डालिएगा और पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा पेमेंट करने के लिए। उसके बाद ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करें और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगर SBI नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो कन्फर्म पे क्लिक करें। उसके बाद दोबारा इस तरीके से आएगा, तो कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो वो यहाँ पे डाल दीजिए, किन के नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिए, CVV कोड की 3 डिजिट यहाँ पे डाल दीजिए, कार्ड के पीछे आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और ये जो कैप्चा वर्ड है यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें। अब जो मोबाइल कार्ड से लिंक है उस पे एक OTP चला गया है, वो OTP यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। ठीक से ओपन होके आ जाएगा, इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो, क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करें। तो इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, प्रिंट इसका निकालना चाहते हो तो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट का आपको बता देता हूँ कि अपॉइंटमेंट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट करने के 2 तरीके हैं, एक तो एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ ये कैप्चर वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करके आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके डियर सर्विसेज स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आपको ग्रीन डेट दिख रही है उनका आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो जो भी ग्रीन डेट आपको आपके लिए सुटेबल है तो उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। राइट साइड में टाइम स्लॉट ओपन होके आ जाएगा, तो जैसे हमको 10 to 12 वाला चाहिए तो ये जो सर्कल है इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसमें 34 अपॉइंटमेंट बचे हुए, यहाँ पे 64 और यहाँ पे 60, तो ये जो सर्कल है इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद बुक स्लॉट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके नंबर पे एक सिक्योरिटी कोड चला गया है, तो वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल के कंफर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक कीजिएगा।
उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी अपॉइंटमेंट की। इसको आप सेव करना चाहते तो सेव कर सकते हैं, प्रिंट इसका निकालना चाहते हो तो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। अक्नोलेजमेंट या रेफरेंस स्लिप किस तरीके से निकालने को मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म, ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तो जैसे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वो सब आपको ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी लेके जाने होंगे। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, ये सब आपको लेके जाने होंगे। और इसके साथ साथ चार या पांच आप अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जा सकते हैं। आप किस तरीके से निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अदर्स दो तरीके हैं, एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू आप एप्लीकेशन अपनी निकाल सकते हैं, दूसरा ये है कि अदर्स पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से निकाल सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहाँ से निकाल सकते हैं, अक्नोलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, जो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट है उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। और पेमेंट रिसिप्ट की बात करें तो उसको यहाँ से फीस पेमेंट पे क्लिक करके, ई पेमेंट पे क्लिक करके, प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके उसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है जी, उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइसेंस रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा लाइसेंस। जैसे आप लाइसेंस यहाँ पे क्लिक करोगे तो लाइसेंस रिलेटेड काफी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट डीएल, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज और डीएल रीटेस्ट, और भी काफी वीडियो आप यहां से देख सकते हैं। और डीएल रिन्यूअल रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो आप देखना चाहते हो तो डीएल रिन्यूअल यहां पे डाल दीजिएगा। तो डीएल रिन्यूअल रिलेटेड जितनी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है वो सब आपको यहां पे दिख जाएगी। और लाइसेंस स्टेटस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो डीएल स्टेटस यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो डीएल स्टेटस रिलेटेड भी काफी वीडियो आप यहाँ से देख सकते हो, और देख सकते हैं कि किस स्टेटस का आखिर क्या मतलब होता है, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। और व्हीकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हो व्हीकल यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट या आरसी, व्हीकल आरसी पर्टिकुलर, व्हीकल आरसी डाउनलोड करना चाहते हो, व्हीकल पे चालान देखना चाहते हो, कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, फिटनेस परमिट या टैक्स के लिए प्रोसीड करना चाहते हो, वो सब वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट पे क्लिक करोगे तो काफी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जुड़ना चाहते हो सोशल साइट पर हमारे साथ, तो सोशल साइट के लिंक भी हमने दे रखे हैं। अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो सोशल साइट के लिंक भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इनके थ्रू आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो। या राइट टॉप में भी यहाँ पे सोशल साइट के लिंक हमने ऐड कर रखे हैं। और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल से, तो सब्सक्राइब क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब क्लिक करोगे राइट साइड में घंटे के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।